हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज का जो प्लान है 27 फीट बाई 35 फीट का, ये प्लान है 27 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 35 फीट इस प्लान का लंबाई है, जिसको गहराई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये वन साइड ओपन प्लॉट है, बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है, पीछे में भी दूसरों की ज़मीन है। तो पीछे में कोई डोर या विंडो या साइड में भी कोई डोर विंडो हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर के अंदर उजाला रहे और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। अभी हम रोड पे खड़े हैं, जो अभी आप देख रहे हैं ये रोड है, और ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट का, ये एक आर्क का एलिवेशन है, जो कि मैंने एक आर्क का जो डिटेल है वो प्लान में यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आर्क का एलिवेशन दिखाया है, ऐसे में यहाँ पर आर्क का ये एलिवेशनल कॉलम्स हैं और यहाँ पे भी ये कॉलम्स हैं और ऊपर से ये आर का डिटेल जो है इस तरह से बनेगा, जो कि हमारे घर के अंदर बनेगा, उसका जो एलिवेशन है मैंने यहाँ पे दिखाया है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी जब मैं आपको अंदर डिटेल्स जो प्लान दिखाऊंगा। तो चलिए सीधे पहुँचते अपने घर के अंदर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर घर के अंदर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से हमारे एक 9 फीट चौड़ा जो कि लोहे का गेट है, ये ओपन होगा, तो इधर से भी हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आगे कार पार्किंग भी दिया गया है, और यहाँ से भी हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं, जो कि मेन डोर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 4 फीट चौड़ा है, 4 फीट बाई 7 फीट का, तो हम दोनों तरफ से ही अपने घर के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी चलिए हम चलते हैं इस तरफ से, तो यहाँ पर भी बात करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है, ये बालकनी का प्रोजेक्शन है, यहाँ पर बालकनी है जो कि हमारे 35 फीट के बाहर है, जो कि हमारे 35 फीट जो हमारा प्लॉट एरिया है उसके बाहर है। तो ये हमारा छज्जा, जिसको बोलते हैं गांव एरिया में, वो छज्जा है। यहाँ पे 4 फीट चौड़ाई है और यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे एक मिड लैंडिंग की स्लैब मिल जाती है, जो कि लगभग 7.5 फीट की हाइट पर मिलेगी, 7.5 फीट की ऊँचाई पर ये मिलती है यहाँ पर, जो कि सीढ़ी की मिड लैंडिंग की स्लैब है। तो इसके बारे में अभी चलें, इसके बारे में बात करेंगे। इधर से अभी चलते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ पे एक छोटा विंडो मिलता है 2 फीट बाई 4 फीट का, जिससे बाहर से जो रोशनी जाएगी वो सीधे इस घर के अंदर जाएगी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे से होते हुए 7 फीट बाई 4 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है ये, इधर से इसके नीचे से होते हुए हम अपने घर के अंदर जाएंगे। जैसे अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी ऊपर की तरफ आ रही है यहाँ से होते हुए। तो यहाँ से हम आते हैं तो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर 3 फीट चौड़ाई है सीढ़ी की, जो स्टेप का जो चौड़ाई है जो 3 फीट है, और जो इस पर हम अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है, जिसको ट्रेड बोलते हैं, और राइजर इसमें 7 इंच का डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आते हुए हम अपने यहाँ पे मिड लैंडिंग पाएंगे, और मिड लैंडिंग से होके ये जो कि आप मिड लैंडिंग की स्लैब देख रहे हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक की मिड लैंडिंग बाहर में भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर 2 स्लैब दिखेगा, एक मिड लैंडिंग की स्लैब दिखेगी और एक हमारी बालकनी की स्लैब दिखेगी बाहर से। तो बाहर से देखने में हमारा घर का जो लुक आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इधर से अभी हम चलते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ से हम चले जाएंगे, ये सीढ़ी को पकड़ के ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। इसी सीढ़ी के नीचे यहाँ पे बाइक पार्क के लिए स्पेस मिल जाता है, काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए जो आपको स्पेस मिलेगा 3 फीट 3 इंच का यहाँ पर पैसेज मिलेगा, जो कि सीढ़ी के नीचे से होते हुए हम अपने घर के अंदर जाएंगे, ये सीढ़ी ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ तक आते आते 8 फीट की हाइट हो जाएगी, इसके नीचे से हम आसानी से कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर आर्क का जो एलिवेशन जो मैं दिखा रहा था, वो यहाँ पे वही वाला डिटेल यहाँ पे बनेगा, एलिवेशन वो यहीं पर बनेगा, और यहाँ से होते हुए हम अपने घर के अंदर अपने डाइनिंग एरिया के अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं 3 फीट चौड़ा यहाँ पे एक आर्क है, और यहाँ पे भी 3 फीट 6 इंच चौड़ा है। तो इधर से हम अपने हॉल में आ जाते हैं, और हॉल में जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर साथ में ही यहाँ पर किचन बनाया गया है, किचन का डिज़ाइन किया गया है बाहर में ही, फ्रंट पर ही। यहाँ पर 9 फीट 7 इंच का लंबाई है, ये ओपन किचन है, और यहाँ पे 8 फीट 5 इंच का चौड़ाई है। यहाँ पे विंडो मिल जाती है 3 फीट बाई 4 फीट की, जिससे किचन के अंदर का जो धुआं जो है, जो स्मोक है, वो इस विंडो से बाहर की तरफ चला जाएगा, और रोशनी भी इस विंडो से हमारे किचन के अंदर बहुत अच्छे से रहेगी। यहाँ पे फ्रिज भी प्लेस करके मैंने दिखाया है, और यहाँ पर गैस स्टोव भी प्लेस है। यहाँ पर अभी 5 फीट चौड़ा यहाँ पर एक आर्क एलिवेशन है, जैसा कि मैंने दिखाया था कि बाहर में कैसे एक आर्क एलिवेशन सर्कुलर टाइप में ऐसे बनेगा, वो यहाँ पे आर्क यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। 3 जगह पे यहाँ पे आर्क का जो है डिटेल दिया गया है, जिससे घर में बहुत ही अच्छा लुक आता है इसकी वजह से। तो चलिए अभी इधर से हम जा सकते हैं अपने कार पार्किंग एरिया में, और इधर से भी हम अपने घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 13 फीट 6 इंच का कार पार्किंग का लंबाई है, और यहाँ पर 10 फीट चौड़ाई मिलता है। तो यहाँ से हम कोई भी सामान लेकर बहुत आसानी से अपने घर के अंदर जा सकते हैं, और गाड़ी भी खड़ी रख सकते हैं, गाड़ी जब खड़ी रहेगी फिर भी लेके जा सकते हैं, काफ़ी चौड़ाई है यहाँ पे।
यहाँ पे एक जो स्मॉल साइज़ की जो कार आती है वो इसमें आसानी से पार की जाएगी। यहाँ पे जो गेट का चौड़ाई है 9 फीट है। तो अभी चलते हैं इधर से अपने डाइनिंग एंड हॉल में। यहाँ पे 13 फीट 1 इंच यहाँ पे लंबा मिलता है हॉल हमको, 13 फीट 1 इंच लगभग 13 फीट है, और 8 फीट 5 इंच लगभग 8.5 फीट यहाँ पे चौड़ाई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे सोफे भी प्लेस कर सकते हैं फैमिली के बैठने के लिए। सामने यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पे 6 फीट लंबाई है, 6 फीट 3 इंच चौड़ाई है। इसमें जाने के लिए 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा दिया गया है। यहाँ पे टॉयलेट का सीट फिक्स किया गया है, और यहाँ पे जो शावर के लिए जो टैप है इस वाली दीवार पे आएगी जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन मिल जाता है। वेंटिलेशन जो है सीढ़ी की तरफ है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो स्मेल का जो भी इशू है वो इस वेंटिलेशन से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। यहाँ से एक ओपन पूजा रूम दिया गया है, आप चाहें तो उसको पूजा रूम भी के तौर पर भी इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फीट 3 इंच चौड़ाई है, 6 फीट 8 इंच लंबाई है। अगर आप पूजा रूम नहीं बनाना चाहते तो इसको आप एज ए स्टोर भी इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो घर में होता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से अपने कमरे के अंदर। यहाँ पे एक बेडरूम है सामने ही, हॉल से अपने इस बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, यहाँ पे विंडो मिल जाता है जो कि हॉल वाले पोर्शन में ओपन होता है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो यहाँ पे एक बेडरूम है, 15 फीट इसका लंबाई है और 10 फीट चौड़ाई है, तो 15 बाई 10 का एक बड़ा कमरा मिल जाता है। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड भी प्लेस किया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि इसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप और भी अपने कैसे अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे एक और विंडो विंडो मिलता है 3 फीट बाई 4 फीट का, और डोर मिलता है 2.5 फीट बाई 7 फीट का। तो इधर से हम अपने इस ओटीएस वाले पोर्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे इसका जो साइज़ है 6 फीट 2 इंच इसका लंबाई है इस ओटीएस का, और यहाँ पे 5 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई है जो कि छत में ओपन रहेगा। यहाँ पे छत में तो ओपन रहेगा, तो यहाँ पे लोहे की जाली लगाएंगे तो इसमें रोशनी भी आएगी, और रोशनी आएगी तो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा। और इधर से हम जाके यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रख सकते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख के इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वॉश एरिया के तौर पे भी। तो इस कमरे के अंदर 2 विंडो मिलते हैं, तो इसमें रोशनी की कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आ जाते हैं अपने हॉल में वापस, और हॉल से अभी चलेंगे अपने मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है 10 फीट चौड़ाई है और 13 फीट लंबाई है, तो इसमें भी 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड मिलता है, और इसमें भी 2 डोर मिल जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है जो कि वॉश एरिया की तरफ ओपन होता है। यहाँ पे विंडो है जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है, तो जिससे इसके लिए भी रोशनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मास्टर बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है इसमें। इसमें जो साइज़ है 6 फीट 2 इंच इसका लंबाई है टॉयलेट का, और 4 फीट चौड़ाई है। यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथरूम है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का इसमें वेंटिलेशन दिया गया है ताकि इधर से स्मेल जो है वो इस साफ से ओ टी एस से होते हुए बाहर की तरफ चला जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉयलेट का सीट फिक्स किया गया है, शावर के लिए टैब भी दिया गया है। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा इसमें वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। और अगर आपको कोई इस प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स ओपन है। और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, या मेरा मेल आईडी जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पे आपको रिप्लाई करूँगा या व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइजेस की और कॉलम पोजिशन की। तो बाहर बाहर की सारी जो दीवारें आप देख रहे हैं वो सारी 9 इंच की दीवारें इसमें डिज़ाइन की गई हैं, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा एक प्लान मिल जाता है आपको 27x27x35 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।